उसका घर है, घर है उसका लातेहार में, घर होगा ना उसका, है कुर्की क्यों नहीं की हो? कुर्की नहीं हुआ, लड़की इतना थक चुकी है सर कि यहाँ पर अभी आने से वो डर रही थी कि पता नहीं प्रशासन अब क्या बोलेगी। 10 साल हो चुका है सर, अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं नहीं कैसे कार्रवाई नहीं हुई, बेल हुआ, फिर नया दफा हुआ, फिर उसे कुर्की हो गया, फिर वारंट लेकर के उसको खोजने गया। लड़की के घर में प्रशासन आते है, लड़की से पूछताछ करती है तो लड़का से क्यों नहीं पूछा जाता है? लड़का पकड़ा है, अगर अरेस्ट होगा तब ना पकड़ेगा, लड़की क्यों तंग करता है? प्रशांत ये बताओ कि आपने कुर्की जब्ती पूरा किया है, उसके परिवार वाले से पूछताछ करके ये जो बता रही हैं कि लड़के वाले की जगह लड़की वाले को ही बार बार पूछता है और तंग करता है, कौन था ना? आप जाकर मिलो। देखो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग चार्जशीट कर दिए, वारंट लेके घूम रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, ये तो हमारी ये है ना कमजोरी। अब ये कोर्ट से भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि वो पहुंचेगा ही नहीं कोर्ट, चार्जशीट विदाउट उसका है और कोर्ट में भी एविडेंस नहीं आएगा, और आएगा भी तो आप अरेस्ट नहीं कर पाओगे। सर इंदिरा आवास के लिए हम लोग कंप्लेन किए थे, वो अभी तक किसी ने कुछ कार्रवाई। चलो एक तो ये देख लीजिए, दूसरा डीसी साहब आप इसका ये गरीब है, इसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर रहने का भी नहीं है और हम लोग कंप्लेन करते हैं फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं होता, इंदिरा आवास के लिए भी किए। चलो जो जो सरकारी योजना का लाभुक वो बन सकते हैं, जो जो सरकारी योजना इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री आवास योजना, उससे इसको लाभान्वित करिए, इसके परिवार को जो विक्टिम का परिवार। ये कल मिलेगी डीसी एसपी दोनों से, अलग अलग जाके मिलना, ठीक है? ये कल मिलेगी प्रशांत, इसे समझ लेना क्या बोलना चाह रही है, क्या सर समस्या है, ठीक है? नेक्स्ट है सर।